अल्लाह उसको अली कहता है। जब ये जुमले कहे इब्नुल कवा ने, लहू जारी है हाथों से, पसीने आ गए इब्नुल कवा को असद के जुमले सुनकर। वो कहता है मस्जिद कूफा में आया, अली के सामने बैठा, फकुल तो अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन मेरा सलाम हो। अली ने सलाम का जवाब दिया, मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन कैफा सा रहा था, या अली ये कैसे हो सकता है। अली ने अपने कलम किरदास पर किसी को खत लिख रहे थे, दफ्तर का काम समझ ले, खत लिख रहे थे। अली ने कलम रोका, मुझसे कहा कि हाल सारा क्या हुआ है इब्नुल कवा, क्या किस बात पे ताज्जुब है। वो कहता है अंत कथा था यमीन इब्नुल अस्वद, मौला आपने इसमें अस्वद के हाथ काटे हैं और वो बाजार में वाहवा सना अलैह, वो बाजार में खड़े होके आपके फजाइल पढ़ रहा है, मेरी अकल हैरान है, मुझे पसीना आ रहा है, या अली मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है कि जिसके आपने हाथ काटे हैं वो बाजार में खड़े होकर आपके फजाइल पढ़ रहा है। वकाल अलीयुन लिल हसन वल हुसैन, अली ने कहा हसन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। जी बाबा, अली ने दोनों हसन हुसैन से कहा ए तेनी इब्न अल अस्वद, जाओ बाजार से इब्न अस्वद को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। लहू जारी हाथों से इब्न अस्वद को लाकर अली के सामने बिठाया है। अली ने उसके कटे हुए हाथ उसकी उंगलियों के साथ रखे, ऊपर अली ने अपनी अबा रखी है, अबा रख कर अली ने सूरह हम्द की तिलावत की है, तिलावत करके अली ने चादर हटाई है, दोनों हाथ सलामत है, न जख्म का निशान है, नहीं अभी नहीं रुक जाओ, न जख्म का निशान है, न लहू का निशान है। और उस वक्त मुड़कर कहा अली ने इस्माई इब्न अल अकवा, सुन इब्न अकवा, ये हमारे शिया है, अगर हम इनके अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े भी कर दें ये हमारी विलायत छोड़ के नहीं। पूरे कल तो जाहिर है सिर्फ शामी गरीबा मसाइब होता है ना, तो ये तकमीली उन्वान है। ये दोबारा वो कसीदा अब अहले इल्म से बुजुर्गों से सादात से माफी मांगकर, ये सिर्फ मलंगों के लिए, सिर्फ मलंगों के लिए कलेजे की ताकत लगाकर पढ़ूंगा। 1988 में मैंने पढ़ना शुरू किया था डॉक्टर अली शरीयती को, और उसकी जब तीसरी किताब आई थी अली अमीने वहदत, उसमें डॉक्टर अली शरीयती ने लिखा था तीन ताकतें जिसके खिलाफ हो जाए दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाता है, दौलतमंद जिसके खिलाफ हो जाए उसका नामो निशान मिट जाता है, हुकूमत जिसके खिलाफ हो जाए उसका नामो निशान मिट जाता है, सरमायादार जिसके खिलाफ हो जाए उसका नामो निशान मिट जाता है। अब जुमला सुनो, या अली तेरी अजमत को मेरे लाखों सलाम, 14 सदियों में हर जमाने के दौलतमंद भी तेरे खिलाफ रहा है, हर जमाने की हुकूमतें तेरे खिलाफ रही है, हर जमाने के अवाम तेरे खिलाफ रहे, मगर ये मौजजा है 14 सदियों में गली गली में अली अली की सलाम है। नारू जो नजफ की
दुश्मनन के जलाइण आए नजर वाले आका के खुश करण आए जेतरो मोला ईमान नु थव ओके जवाब हो खपे नाराए पूरी ताकत से बुजुर्ग सैयद की आवाज में आवाज मिलाकर डॉक्टर अली शरीफ कह रहे तीन ताकतें जिसके खिलाफ हो जाए उसका नामो निशान मिट जाता है। हर जमाने की हुकूमत अली के खिलाफ रही, हर जमाने का दौलतमंद अली के खिलाफ रहा, हर जमाने की अक्सरियत अवाम अली के खिलाफ रही, फिर भी 1400 सदियों में गली गली में अली अली की सदा है। तो मेरा बाकी को तराना सुनो, अली तो वो अली है, अली तो वो अली है, अली तो वो अली है कि बनी उमैया ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, यजीद ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, मरवान ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, मरवान की औलादों ने बादशाहों ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, बनी अब्बास ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, हादी अब्बासी ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, महदी अब्बासी ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, हारून रशीद ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, मामून रशीद ने अली को मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, अली को मोतशम बिल्ला ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, अली को मुतवक्कल बिल्ला ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, अली को मोतस बिल्ला ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, अली को मोतबद बिल्ला ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, अली को इस बिल्ला ने मिटाना चाहा, अली नहीं मिट सका, और जिस अली को तारीख के बड़े बड़े बिल्ले नहीं मिटा सके उसे गलियों की बिल्लियां क्या मिटाएगी। अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, पूरी ताकत से नारा है सलामत रहे मौला तुम्हारी तस्बीह कबूल करे। उन्वान खत्म हो गए, एक जुमला भी आगे नहीं पढ़ा। दो दिन मैंने एक अली अलमदार पढ़ा, फिर मैंने अब्बास अलमदार पढ़ा, आज सिर्फ गाजी का कसीदा, सिर्फ गाजी का। उन्वान मेरा मुकम्मल हो गया। अलम वाले के देखो तज़करे हर सु सलामत है। कसीदा पढ़ना तेरे लिए मजलिस मेरी खत्म हो गई, और लाहौर से ये कसीदा शायर ने दिया जो हदिया कर रहा हूँ। मौला गाजी और अलम की शान में ये कसीदा, वो कहते हैं अलम वाले के देखो मूड है ये कसीदा सुनने का, अगर मूड है तो ठीक वरना मैं रोक देता हूँ। गाजी का कसीदा अलम का सलामत है। वो कहते हैं अलम वाले के देखो तज़करे हर सू सलामत है, अलम वाले के देखो तज़करे हर सू सलामत है, आज़ादारों की जैसे आंख में आंसू सलामत है, सलामत है, सदाए दे रहा है इस अलम की नोक पर पंजा, सदाए दे रहा है इस अलम की नोक पर पंजा, जमाने देख ले अब्बास के बाजू सलामत है, सेव होगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, और दोबारा पढ़ूंगा तो फिर दोबारा न्याज लूंगा।
जैसे तुम लोग मजलिस के बाद दो दो बार नियाज ले जाते हो ना, तो तुम्हें साईं देते हैं ना, कभी मना किया है तो फिर मैं दोबारा कसीदा पढ़ूं तो दोबारा नियाज दोगे दोगे नियाज सारे पढ़ू मैं ये कसीदा, और बहुत कदीम कसीदा है, बहुत से दोस्तों को जबानी याद है। वो कहता है चराग मातम ना बुझ सकेगा है जब तलक दम में दम हमारा, चराग मातम ना बुझ सकेगा है जब तलक दम में दम हमारा, ना झुक सकेगा सितम के आगे ये सर खुदा की कसम हमारा, शिकस्त खाई अजल से आपस में लड़ रहे हैं, कलम तुम्हारा अलम हमारा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, सुबह के साथ दिल में हुसैन को भाई न कहना।
शहीद अल्लामा इरफान हैदर आबादी एक जुमला कहते थे आजादार, वो कहते थे जीन से गाजी नहीं गिरा, ज़ैनब के सर से चादर गिरी। जीन से गाजी नहीं गिरा, ज़ैनब के सर से चादर गिर गई है। अब्बास जी अम्मा, गाजी आंखें बंद कर रहे हैं। अब्बास ने आंखें बंद की, रोज़े रसूल है, उम्मुल बनीन बैठी है, अब्बास बैठा है। उम्मुल बनीन जानती है अब्बास की गैरत और जलाल को, इसलिए कहा गाजी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद की हैं, गाजी का एक हाथ पकड़कर कब्र नबी पर रखा है और एक बार चादर हटाकर गाजी का दूसरा हाथ अपने खुले बालों पर रखा है। बालों पर रख के कहती है गाजी, कसम देकर पूछती हूँ, बता तेरे दोनों हाथ कहाँ हैं? रो कर कहा अम्मा, एक रसूल की कब्र पर है, एक माँ के सर पर है। कहा गाजी, तुम्हें दोनों मकामात की कसम दे रही हूँ, खबरदार कभी हुसैन को भाई न कहना, कभी ज़ैनब को बहन न कहना। ओ गाजी, वो ज़ारा के बच्चे हैं, तू उम्मुल बनीन का बेटा। जज़ाकअल्लाह। ओ गाजी का अलम उठाने वालों, ओ गलियों में थके हुए अज़ादारों, रो रो कर गाजी का मातम करने वालों, तुम्हें अपने खुश नसीबी का अंदाजा नहीं है। जब तुम गाजी का अलम लेकर चलते हो, तुम्हारे दाएं बाएं फरिश्ते चलते हैं और दुआएं देकर कहते हैं, ऐ गाजी का अलम उठाने वाले, तुझे ज़ारा दुआ दे रही है, दुआ दे रही है। ओ गाजी का अलम उठाने वालों, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। अब्बास जी अम्मा, तुम्हें दोनों मकामात की कसम है। गाजी, ये काफिला तुम्हारे हवाले है, आले मोहम्मद का कारवां तुम्हारे हवाले है। गाजी, यहाँ से लेकर पूरे सफर में गाजी याद रखना, पांच छह वसीयतें की सिर्फ एक पढ़ रहा हूँ। अब्बास, कभी ज़ैनब के सामने तेरी निगाह जमीन से बुलंद नहीं होनी चाहिए। हौसला करना आजादार। अब्बास, अगर कभी किसी वक्त जरूरत पड़े तुम्हें ज़ैनब के पास जाने की, तो गाजी याद रखना, तेरी निगाह ज़ैनब के पैरों को न देखे। वो ज़ारा की बेटी है, वो तत्हीर की मलका है, तेरी निगाह जमीन पर होनी चाहिए। मदीने से लेके करबला तक अल्लाह जाने कितनी बार गाजी ने खैमे लगाए हैं, गाजी ने खैमे उठाए हैं। गाजी यही सोचता रहा, पता नहीं अम्मा ने ये वसीयत क्यों की है, मैं तो आकाजादी की नौकरी दे रहा हूँ, मैंने क्या मांगना है, मैं तो बीबी का नौकर हूँ। करबला तक नौकरी देता रहा, तब ईद मुकम्मल हो गई। अब सीने पर हाथ रख, पहला फिक्रा पढ़ रहा हूँ। आशूर का दिन आया, गाजी सारा दिन सोचता रहा, अम्मा ने क्यों कहा था कि अगर ज़ैनब से कुछ मांगना पड़े तो तेरी निगाह जमीन से बुलंद न हो। अचानक एक वक्त आया है, नौ मर्तबा अब्बास गया है, जब हो जाता है हुसैन नजफ की तरफ मुंह कर लेता है, कहता है बाबा ज़ैनब की चादर जाने और तू जान, बाबा तेरा गाजी। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। आखिर में जब आया है ना अब्बास, मौला अब मुझे इजाजत दे दो। हुसैन ने कहा गाजी बस इतना सुन ले, तेरी इजाजत मेरे पास नहीं है, ज़ैनब के पास। गाजी, तू सिर्फ ज़ैनब से इजाजत ले सकता है। अब गाजी को याद आया, अम्मा ने क्यों कहा था तेरी निगाह जमीन पर रहे, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा। हौसला करके कलेजे पर हाथ रख के जुमला सुना जादार। जब कहा ना गाजी, जाओ खैमे में ज़ैनब से इजाजत ले लो, अगर ज़ैनब भेजती है तो चले जाना। अजादार, जब गाजी को याद आया ना, गाजी ने चलना शुरू
शुरू किया, सामने जनाबे आलिया का खैमा है, मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिया, अब बर्दाश्त करे तो ये जुमला बर्दाश्त करना, गाजी पैरों से सीधे कद पे चल के नहीं गया, गाजी ऐसे झुका जैसे नमाजी रकू में झुकता है, रकू में झुका हुआ दरे ज़ैनब पर आया, तीन मर्तबा गाजी ने आयते तदहीर पढ़ी है, अंदर ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी थी, जैसे ही गाजी की आवाज सुनी है ज़ैनब के हाथ से तस्बीह गिर गई है, तड़प कर कहती है अम्मा फिजा दुआ करो अल्लाह खैर करे, आज गाजी मेरे दरवाजे पर सवाली बन के आया है, दुआ करो अम्मा फिजा अल्लाह खैर करे, वो किसी से कुछ न मांगने वाला बेनियाज गाजी आज ज़ैनब के दरवाजे पर सवाली बन के आया है, जाओ फिजा गाजी को अंदर ले आओ, अदादारो जनाबे फिजा सांस ले लो, सांस ले लो, अगला जुमला सुनो, जनाबे फिजा ने खैमे का पर्दा उठाया, जनाबे ज़ैनब आलिया दरवाजे पर आई तो ज़ैनब की चीख निकल गई है, ये मंजर देखकर गाजी नमाजी की तरह रकू में झुका है, निगाहें जमीन पर है, सर झुका हुआ रो के कहता है आकाजादी गरीब का सलाम, आकाजादी गरीब का सलाम, हौसला करके जुमला सुनना, कहते हैं ज़ैनब ने गाजी की दाढ़ी के नीचे दोनों हाथ रखे, हाथ रख कर का गाजी सर उठा, तेरा झुका हुआ सर ज़ैनब को बर्दाश्त, ओ मेरे गाजी ओ हमारी चादरों के सामने न पास, तेरा झुका हुआ सर ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं है, गाजी सर उठा सर उठा, गाजी कहता है आकाजादी अम्मा ने हुक्म दिया था कि जालिया जनाबे आलिया के सामने तेरा सर झुका रहे, निगाहें जमीन पर रहे, अदादारो एक बार ज़ैनब कहती है हाँ गाजी मैं ज़ैनब होकर कह रही हूँ, सर ऊपर कर मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, रोता रोता गाजी जमीन पर बैठ गया, कहता है मेरे अल्लाह माँ ने हुक्म दिया था सर झुका के रखना, उलिल अम्र की बेटी हुक्म दे रही है सर उठा के देख, मेरे अल्लाह गाजी की लाज तेरे हाथ, मातम करो अदादारो मातम करो, जैसे ही ये जुमले कहे ना एक बार जनाबे फिजा जनाबे आलिया के सामने आ गई, हाथ जोड़ के कहती है आकाजादी सारी जिंदगी मैंने आपकी नौकरी दी है, आज फिजा मिन्नत करती है जहरा की चादर का वास्ता, ओ गाजी मर जाएगा इसे मजबूर ना कर, वो सर नहीं उठाएगा तेरे सामने, एक बार ज़ैनब कहती है अच्छा गाजी जैसे तेरी मर्जी, बता गाजी क्या कहने आया है, सांस ले लो मैं भी सांस ले लो, बता गाजी क्या कहने आया, रो के कहता है आकाजादी मांगने आया हो खाली ना लौटाना, हाँ गाजी बोल क्या मांगने आया है, रो के कहता है आकाजादी मुझे मौत की इजाजत दे दो, वज़ादारो मैंने पढ़ दिया तूने सुन लिया, तुझे दर्द का एहसास नहीं है, गाजी कहता है मौत की इजाजत दे दो, गाजी ने मौत का नाम लिया, ज़ैनब ने गाजी को जवाब नहीं दिया, ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा जल्दी जा सारी मजदूरों को मेरे खैमे में बुला, और उन्हें कहना अपनी अपनी चादरें लेकर आ जाओ, 64 मजदूर ज़ैनब के खैमे में कतार बना के खड़ी है, ज़ैनब ने गाजी की दाढ़ी के नीचे हाथ रखे कहा अब्बास तुझे मौत की इजाजत चाहिए तो गाजी पहले ये बता ये 64 मजदूरें तेरी जमानत पर करबला आई है, अब्बास बता हम खुद चादरें उतारे ज़्यादा है, मैं जल्दी नहीं करता,
सांस लेकर सुन लो अदादारों, हौसला करके सुनना अगला जुमला। एक बार जनाबे फिजा कहती है आका साथी जारा की चादर का वास्ता, ओ गाजी को रुला नहीं मैंने कभी, गाजी को मिट्टी पर बैठ कर रोते नहीं देखा है। आका साथी गाजी का जिगर फट जाएगा, आका साथी मजबूर न कर, 32 साल तेरी नौकरी की है, आज मांगता है तो दे। आका साथी पहली बार मांगने आया है, मांगता है तो दे दे। लो सुनो फिर एक बार जैनब ने कहा, चल गाजी तूने सखी की बेटी से मौत की इजाजत मांगी है, गाजी तुझे इजाजत देती हूँ, अब शाम का बाजार जाने, जैनब की चादर जाने, जा अब्बास अल्लाह के हवाले, जा गाजी अल्लाह के हवाले। हौसला मेरा बच्चा, हौसला करना, हौसला करना, हब्स भी ज्यादा है इसलिए रुक रुक के मसाइल पढ़ रहा हूँ, मोमिन तकलीफ में ना आ जाए। हौसला करो, मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ। जा गाजी अल्लाह के हवाले, बस गाजी एक काम कर, मैंने जो तूने मांगा दे दिया। गाजी अब जैनब अगर कुछ मांगे तो इनकार ना करना, सर झुका हुआ निगाहें जमीन पर कहा, आका जादी हुक्म करो, गाजी अपनी तलवार से अपना गला काट दे, तेरे कदमों में नहीं। गाजी गाजी बस एक काम कर, अब मुझे पता है चादर लुटा के शाम के बाजार, गाजी बाजारों में बड़े घुड़सवार होंगे, गाजी एक बार घोड़ा मंगवा, मुझे जीन पर बैठ कर दिखा, मैं जमाने को कह सकूं वो मेरे अब्बास से बड़ा कोई शहसवार, शहसवार नहीं था। फिजा ने रकाब थामी है, उमर से रुकैया ने रकाब थामी है, गाजी जीन पर बैठा है, अदादार 64 मजदूर जैनब के साथ खैमे के दरवाजे पर है। गाजी ने घोड़ा पर सवार होकर, लो कलेजा थाम, खत्म हो गई मजलिस, गाजी ने पहला चक्कर खैमे का लगाया, 64 बीवियां खाक पे गिरी है। चक्कर गाजी ने लगाया, अली की बेटी मिट्टी पर गिर गई है। तीसरा चक्कर गाजी ने लगाया, जैसे ही दरवाजे के आगे आया, 4 साल की सकीना सामने आ गई, हाथ जोड़ के कहती है, चाचा वो मेरी बुबी की चादर का वास्ता, चाचा जीन से उतरा, जब से तू घोड़े पर बैठा, वो मेरा गरीब जान पढ़ा है, बाबा जान पढ़ा है।